नमस्कार, मैं इंदुमति तंवर, प्रवक्ता CDDM राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है ड्राफ्ट ऑफ ए लाइन फ्रॉक। सबसे पहले हम बात करेंगे ए लाइन फ्रॉक पे। ए लाइन ड्रेस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल फ्रॉक्स फॉर अ लिटिल गर्ल। जो हमारी ए लाइन का जो आउटर शेप होता है वो अल्फ़ाबेट लेटर ए के अकॉर्डिंग दिखता है, इसी वजह से इसका नाम ए लाइन फ्रॉक पड़ा। इसके जो दोनों जो साइड के जो स्लोपिंग होते हैं वो साइड के जो स्लोपिंग पार्ट होते हैं और सबसे वाइडेस्ट पार्ट इसका हेमलाइन होती है। आइए तो हम बात करते हैं इसके ड्राफ्टिंग पर। सबसे पहले हमने इसके मेजरमेंट्स लिए हैं, लेंथ 44 सेंटीमीटर्स, चेस्ट 56 सेंटीमीटर्स एंड अक्रॉस बैक 23 सेंटीमीटर्स। जैसा कि आपको पता है, हम लोग फाउंडेशन लाइन को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हम बेस या गाइडलाइन लेते हैं। 0 to 1 लेंथ ऑफ ए लाइन फ्रॉक प्लस 3 सेंटीमीटर फॉर बॉटम फोल्डिंग। हमने 0 to 1 फ्रॉक की लेंथ ली है 44 सेंटीमीटर्स और इसके बाद हमने इसकी बॉटम फोल्डिंग में 3 ऐड किया है, 3 सेंटीमीटर फॉर बॉटम फोल्डिंग। 0 to 2 हमने लिया है 1/4 ऑफ चेस्ट। चेस्ट आपके 56 सेंटीमीटर्स हैं तो 56 का हम लोग 1/4 पार्ट निकालेंगे, तो 1/4 हमने 1/4 ऑफ चेस्ट लेना है, 14 आएगा तो हमें 14 सेंटीमीटर 0 to 2 लेना है। 0 to 3 हम लेंगे हाफ एक्रोस बैक। एक्रोस बैक आपके 23 सेंटीमीटर्स हमने यहाँ पे लिए, तो एक्रोस बैक हम हाफ एक्रोस बैक लेंगे तो 11.5 आएगा। 0 to 4 इक्वल टू 0 to 2। जितना आपने 0 to 2 लिया है 1/4 ऑफ चेस्ट, उतना ही आपको 0 to 3, 3 to 4 1/4 ऑफ चेस्ट ही लेना है। ज्वाइन करेंगे 3 to 4 एंड 0 to 3, इस तरह से हम लोग लाइन ज्वाइन करेंगे। 2 to 5 हम लेंगे 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। चेस्ट 56 है, 56 का हम 1/4 पार्ट निकालेंगे प्लस 2.5 सेंटीमीटर इसमें ऐड करेंगे। 1 to 6 हमने लेना है 1/4 चेस्ट प्लस 8 से 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फॉर ए लाइन शेप। ज्वाइन 5 to 6, इस तरह से हम लोग 1/4 चेस्ट में 8 से 10 सेंटीमीटर ऐड किया है ताकि इसमें फ्रॉक का ए लाइन शेप आ सके। 0 to 7 1/12 ऑफ चेस्ट। 0 to 7 हम 1/12 ऑफ चेस्ट लेंगे। चेस्ट हमारा 56 सेंटीमीटर है, इसका 12वां पार्ट निकालेंगे तो आपके 4.66 आएगा, आपको 4.66 लेना है। 0 to 8 3 सेंटीमीटर फॉर बैक नेक डेप्थ के लिए हम 3 सेंटीमीटर्स लेंगे। जॉइन 7 to 8 फॉर बैक नेक लाइन। 0 to 9 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर फॉर फ्रंट नेक के लिए हम लेंगे। जॉइन 7 to 9 फॉर विथ कर्व शेप फॉर फ्रंट नेक लाइन। 3 to 10 1.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लेंगे हम, जॉइन करेंगे 7 to 10 को फॉर शोल्डर लाइन। 11 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 10 to 4। 11 हम लोग मिड पॉइंट लेंगे इसका 10 to 4 का। 11 to 12 अंदर की तरफ हमको 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ लेना है। ज्वाइन करेंगे अब 11 एंड 5 को ज्वाइन करेंगे हम बैक आर्म होल शेप के लिए, और 10, 12 एंड 5 को हम ज्वाइन करेंगे फ्रंट आर्म होल शेप के लिए। हम बैक पार्ट में इसमें प्लेकेट लेंगे, तो प्लेकेट के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में सिर्फ। 8 टू 13 हम टोटल लेंगे 5 सेंटीमीटर फॉर प्लेकेट। हम लोग काज बटन जिसमें करते हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। 8 to 13 5 सेंटीमीटर। 1/4 5 सेंटीमीटर में हम फेसिंग के लिए लेंगे और 3.5 सेंटीमीटर बटन स्टैंड के लिए लेंगे। 1 to 14 इक्वल टू 8 to 13। 13 to 14 को हम लोग ज्वाइन करेंगे फॉर प्लेकेट के लिए। 15 to 16 ये हमारा ए लाइन शेप में हम का हल्का सा कर्व शेप देंगे। 6 to 15 1 सेंटीमीटर ऊपर लेंगे। 15 to 16 3 सेंटीमीटर हमने बॉटम फोल्डिंग लिया है, उतना 3 सेंटीमीटर लेंगे। इस तरह से इसको हल्का सा कर्व शेप देते हुए हम लोग ऐसे जॉइन करेंगे। इस तरह से हमने इन मेजरमेंट्स के माध्यम से विथ इंस्ट्रक्शन ए लाइन फ्रॉक का हमने ड्राफ्टिंग बताया है। इसमें
ग्रेन वर्क स्ट्रेट ग्रेन रहेगा, फ्रंट पार्ट आपका ओन फोल्ड में कटेगा, बैक पार्ट आपके इसमें बटन स्टैंड होगा, फ्रंट पार्ट आपका कट वन में कटेगा, बैक पार्ट आपका कट टू में कटेगा। इस तरह से हमारा ड्राफ्टिंग बनाते हुए हमारी जो ए लाइन फ्रॉक बनेगी वो इस तरह से शो होगी। इसका वाइडेस्ट पार्ट हमारा हेम लाइन जो है हमारे इस तरह से, ए लाइन फ्रॉक का शेप अल्फ़ाबेट ए लेटर के अकॉर्डिंग होता है, इसी वजह से इस फ्रॉक को ए लाइन कहा गया है। धन्यवाद।